वन विभाग से नोटिस आया है कि आपके नाम मुकदमा पंजीकृत किया गया है, सारस पक्षी जो मेरा दोस्त बन गया था। दोस्तों, आप लोगों ने कभी पक्षी के साथ खाना खाया है? इनकी कितनी गहरी दोस्ती है, देखिए क्या हुआ। तो नए ब्लॉग में स्वागत है। इस ब्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं कि सारस पक्षी और आर्फ की दोस्ती कैसे हुई थी और अभी कैसे खतरे में पड़ चुकी है, और आर्फ के ऊपर कैसे मुकदमा वन विभाग वालों ने लगा दिया है। सारा इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो को दोस्तों छोड़ के मत जाना, पूरा वीडियो देखना। अगर पूरा वीडियो देखोगे नहीं तो कुछ समझ में आएगा नहीं दोस्तों, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखना आप, और हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। दिखाने जा रहे हैं कि इंसान और पक्षी के बीच में कैसी गहरी दोस्ती हो सकती है, ठीक है। दोस्तों इस ब्लॉग वीडियो का माध्यम यही है, मैंने आप लोगों के लिए दिखा रहा हूँ कि इंसान दोस्त के काम नहीं आता है, मगर ये पक्षी देखो एक इंसान के काम आ रहा है और इंसान एक पक्षी के काम आया था। अब इनकी दोस्ती इतनी गहरी हो चुकी है, इतनी गहरी हो गई थी लोग दूर दूर से देखने आते थे, इनकी दोस्ती को देखने आते थे। आरिफ का दोस्त सारस कैसा है और वो कैसा व्यवहार करता है, कैसे रहता है दोस्त और सभी लोगों के साथ दोस्तों, और इनकी इतनी गहरी दोस्ती हो गई थी कि चर्चा होने लगी। और कुछ समय ऐसा है सारस राजकीय पक्षी होने के कारण वन विभाग वालों ने इस पक्षी को ले जाने की ठान ली और इसको बरेली लेके गए। उसके बाद दोस्तों कानपुर लेके चल गए जब वहाँ पे उसका स्वास्थ्य नहीं सही था। फिर दोस्तों ऐसे कुछ घटना घटी कि आपको कुछ बता नहीं सकते। आरिफ देखो क्या कहते हैं दोस्तों। वन विभाग से नोटिस आया है कि आपके नाम मुकदमा पंजीकृत किया गया है, सारस पक्षी जो मेरा दोस्त बन गया था, इसलिए उसका पैर टूटा हुआ था तो हम घर में ला के इलाज किए। वो हम चाहते थे वो चला जाए जंगल में अपने परिवार के साथ जाके रहे, लेकिन वो मेरे साथ रहने उसे पाला नहीं था, वो अपनी स्वयं इच्छा से आता था, स्वयं इच्छा से जाता था, इसमें मेरा क्या कसूर है। तो आप लोगों ने सुना आरिफ क्या बोल रहे हैं, अब इनकी दोस्ती खतरे में आ चुकी है दोस्तों। वन विभाग वालों ने इन पर मुकदमा लगा दिया है क्योंकि जो सारस है एक राजकीय पक्षी है, इसी वजह से ये पे पूरा मुकदमा लगा है। पूरा देखना दोस्तों, वीडियो को छोड़ के जाना मत। जब दोस्तों पहले वन विभाग की टीम ने जब ले जाकर समझते पक्षी बिहार में ले जाकर जब इस पक्षी को रखा दोस्तों, फ्रेंड ना मिलने के कारण दोस्तों पक्षी वो बेचैन हो गया और वहाँ पे उसे अच्छा नहीं लगा और दोस्तों उधर वो भागने लगा और फड़फड़ाने लगा दोस्तों। इसी वजह से पकड़कर यह लोग कानपुर के चिड़ियाघर में ले जाकर उसे दोस्तों शिफ्ट कर दिया, ठीक है दोस्तों। वहाँ पे जब शिफ्ट कर दिया जिन आरिफ को उसे रहना पड़ा, और देखो दोस्तों ये अकेले यहाँ पे घूम रहा है और ये इधर उधर दिख रहा है कब आरिफ दोस्तों यहाँ पे अकेले, इसका मन नहीं लगा हुआ। ये सारा जो है एक पिंजरे में इसे बंद कर दिया गया है। जैसा कि दोस्तों आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, सारस पालने के आरोप में अमेठी के आरिफ पर हुई मुकदमा दर्ज, वन अधिकारी ने दर्ज कराया केस। अगर मोहम्मद आरिफ पुत्र लाल बहादुर निवासी ग्राम पोस्ट खंडवा विकास खंड जनपद अमेठी। तो दोस्तों आप इसमें लिखा हुआ है आप वन अपराध संख्या 14/2022-23 दिनांक 9/3/2023 गौरीगंज रेंज में वन्य जीव अभियुक्त जन नामजद हैं। तो दोस्तों इनके ऊपर केस कर दिया गया है। और दोस्तों आरिफ भाई को 2 अप्रैल को वहां पर हाजिर होकर अपना बयान दर्ज कराना होगा, जो कि दोस्तों कराना सुनिश्चित है। और दोस्तों इसमें देखिए साइन हुआ है रणदीप मिश्र सहायक वन संरक्षक। तो दोस्तों देखिए ये खेली आरिफ के ऊपर जो है वन विभाग की टीम ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जो कि बहुत ही गलत है दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो कि क्या आरिफ ने उस सारस को पकड़ कर लाया और उसके पैर का इलाज किया, क्या ये गलत था? तो दोस्तों आप लोगों का इस पर क्या कमेंट है, क्या राय है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।